खुद से जीतने वालों को मेरा सलाम। 4 साल की उम्र में सर में चोट लगी, जिसके बाद पढ़ना, फोकस करना, कुछ याद रख पाना छोटे जिम क्विक के लिए असंभव काम हो गए। डॉक्टर ने बोला ये बच्चा वैसा ही रहेगा। लेकिन दोस्तों, क्या आप यकीन करेंगे, आज वही जिम क्विक रिचर्ड ब्रांसन, बिल क्लिंटन के कोच हैं, कई बड़ी कंपनीज में सलाहकार है, जिन्हें इलॉन मस्क ने स्पेसएक्स में ब्रेन ट्रेनिंग के लिए बुलाया। कहानी शुरू से शुरू करते हैं। जिम क्विक कहते हैं कि 4 साल की उम्र में एक दिन मैं कुर्सी पर खड़ा था, किसी बच्चे ने पीछे से कुर्सी खींच ली और मैं सीधे सर के बल रेडिएटर पर जा गिरा। सर पर गहरी चोट आई, मेरे चारों ओर बस खून ही खून था। माँ कहती, सर में गहरी चोट के बाद से तुम पहले जैसे नहीं रहे, खासकर पढ़ने और सीखने में तुम काफी धीमे हो गए। लेकिन उस समय छोटे जिम को समझ नहीं आता कि लोग उनसे अलग तरह का व्यवहार क्यों कर रहे हैं। जिम क्विक कहते हैं कि मुझे अच्छी तरह याद है, मेरी टीचर किसी व्यक्ति से बात कर रही थी, उन्होंने मेरी तरफ उंगली करके कहा, ये देखो इस बच्चे का दिमाग बेकार है, इसे कुछ समझ नहीं आता। जिम कहते हैं ये सुनकर मुझे सदमा लगा और मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ। जिम क्विक कहते हैं मैं धीरे धीरे बहुत शर्मीला हो गया, क्लास में भी छिपकर बैठने लगा, पढ़ना सीखने में मुझे बाकी बच्चों से 3 साल ज्यादा लगे। जैसे हर बच्चा चाहता है, मैं भी चाहता था कि माता पिता मुझ पर गर्व करें, लेकिन मुझे समझ नहीं आता मैं क्या करूं। मुझे हमेशा लगता, हर दिन महसूस होता कि मैं काबिल नहीं हूं, मेरे अंदर कुछ कमी है। 16 साल की उम्र तक मेरी हालत बहुत खराब थी, मुझसे कोई सवाल पूछता लेकिन मैं आता हुआ जवाब नहीं दे पाता। उस समय मैंने स्कूल, पढ़ाई सब कुछ छोड़ने का निश्चय कर लिया, लेकिन सौभाग्य से मेरे जीवन में एक अंकल आए। हुआ यूं कि मैं अपने दोस्त के साथ उसके फार्म हाउस गया, वहां उसके पिता हमें खेत में घुमाने ले गए। वहां उन्होंने मुझसे पूछा, जिम तुम जीवन में क्या करना चाहते हो? जिम कहते हैं उस सवाल में इतना अपनापन था कि मैं फूट फूट कर रोने लगा, सालों का प्रेशर बाहर आ गया। मैंने अंकल को बचपन से लेकर अब तक की सारी तकलीफ बताई। अंकल ने सब धैर्य से सुना, फिर अपने बैग से कुछ पन्ने निकाले और कहा, जिम इन 4 सवालों का जवाब लिखो, तुम क्या बनना चाहते हो, इस जीवन में क्या करना चाहते हो, तुम ये सब क्यों करना चाहते हो, तुम इस दुनिया को क्या दे सकते हो। जिम कहते हैं इससे पहले किसी ने इस तरह के सवाल नहीं पूछे थे, मेरे पास कोई जवाब नहीं थे, फिर भी मैंने 4-5 पॉइंट्स लिखे। अंकल ने उस लिस्ट को देखा और अपने हाथों के बीच 2 उंगलियों में गैप करते हुए कहा, जिम तुम्हारे और तुम्हारे सपनों के बीच केवल इतनी सी दूरी है। जिम कहते हैं मैंने मन में सोचा, मैं 10 जन्मों में अपनी लिस्ट पूरी नहीं कर पाऊंगा, मेरे सपने कभी पूरे नहीं होंगे। अंकल शायद मेरी मन की भावना समझ रहे थे, उन्होंने मुझसे पूछा, जिम जानते हो ये गैप कैसे पूरा होगा? फिर अंकल ने 2 उंगलियां मेरे माथे के दोनों साइड रख दी, तुम्हारे सपनों की चाबी तुम्हारा मन और इच्छा शक्ति है, तुम्हें जो कुछ चाहिए तुम्हें यहां से मिलेगा, तुम और तुम्हारे सपनों के बीच जो पुल है वो तुम्हारा मन, तुम्हारा सुपर कंप्यूटर है। जिम कहते हैं उनकी बातों से मुझ पर गहरा प्रभाव पड़ा, मैंने निश्चय किया कि मैं सारा जोर लगा दूंगा। मैं अपनी क्लास में बहुत पीछे था, मुझे बहुत सारा काम करना था। अंकल के फार्म हाउस से लौटकर मैं दिन रात लाइब्रेरी में बिताने लगा, लेकिन किस्मत को कुछ और मंजूर था। सर पर लगी दूसरी चोट। जिम कहते हैं मैं देर रात लाइब्रेरी से लौट रहा था, तभी मेरा पैर सीढ़ियों पर फिसला, मैं लुढ़कते हुए नीचे गिरा, मुझे दोबारा सर में चोट लगी। इस बार चोट इतनी गंभीर थी कि मैं 2 दिन कोमा में रहा। जिम क्विक कहते हैं कि वो मेरे जीवन का सबसे कठिन समय था, मैं स्कूल में बहुत पिछड़ चुका था, पिछले दिनों की सारी मेहनत खराब हो गई, हॉस्पिटल में अकेले लेटे लेटे मुझे लगने लगा मेरा जीवन बेकार है, मैं कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगले ही दिन मन में एक आवाज जाग उठी जो कह रही थी कि इस परेशानी से निकलने का रास्ता होगा। मैं बार बार सोचता रहा कुछ तो तरीका होगा जिससे मैं अपनी परेशानी से बाहर निकल सकूं, और अगले ही दिन जवाब मिला, एंड द यूनिवर्स रिस्पॉन्डेड। जवाब चाय के कप पर लिखा था। नर्स मेरे लिए चाय लेकर आई जिसके कप पर एल्बर्ट आइंस्टाइन का कोट लिखा था, We cannot solve our problems with the same thinking we used when we created them. जिस लेवल की सोच से प्रॉब्लम प्रकट हुई है, हमको सॉल्यूशन के लिए उस लेवल के आगे जाना होगा। मैंने खुद से दोबारा पूछा, मेरी प्रॉब्लम क्या है? मेरे दिमाग में कुछ खराबी है, मैं बहुत स्लो हूँ, फोकस नहीं कर पाता। इस प्रॉब्लम का अगला लेवल क्या है?
जवाब आया, अगर मैं खुद से सीखना ही सीख लूं तो, अगर मैं तेज सीखना ही सीख लूं तो। बहुत अच्छा जवाब था, जिससे अगला प्रश्न पैदा हुआ, मैं कहां सीखना सीख सकता हूं? स्कूल में? जिम कहते हैं, मैंने रियलाइज किया कि स्कूल में 12 साल क्या सीखना है बताया जाता है, मैथ साइंस लैंग्वेज सिखाई जाती है, लेकिन कैसे सीखना है ये कोई नहीं सिखाता। आपका दिमाग, मेमोरी, फोकस, नजरिया, ये सब कैसे काम करता है, ये पूरे 12 साल कोई नहीं सिखाता। जिम क्विक कहते हैं, ये मेरी जिंदगी का आहा मोमेंट था। उस पल से मेरी जिंदगी बदल गई, क्योंकि मुझे अंदर ही अंदर पता चल गया था कि मेरे जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्या करना चाहता हूँ, इस दुनिया को मैं क्या दे सकता हूँ। जिम क्विक कहते हैं, हॉस्पिटल से निकलते ही मैं रिसर्च करने लगा कि दिमाग, फोकस और मेमोरी को कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। मैं कई डॉक्टर से मिलने लगा, मैं खुद को सीखना सिखाने लगा। जिम क्विक कहते हैं, उद्देश्य बदलने से मेरा जीवन बदल गया, मेरा फोकस बेहतर हो गया। परेशानी अभी भी थी, लेकिन मैं बेचैन नहीं हो रहा था। कॉन्फिडेंस बढ़ा तो डर कम होने लगा, दोस्तों से हंसकर बात करने लगा। जिम क्विक कहते हैं, उस अनुभव से मुझे एहसास हुआ कि मेरी ही तरह न जाने कितने लोग हैं जो इस चीज से परेशान हैं। मैंने मिशन बना लिया कि ये नॉलेज मैं बेहतर करता जाऊंगा और सबको पहुंचाऊंगा। मैं 25 साल से अब भी यही काम कर रहा हूँ, और समय के साथ मुझे पता चला, मॉडर्न लाइफस्टाइल यानी तनाव लेने से, दिन भर बैठे रहने से, फास्ट फूड से, लोग अपनी अलर्टनेस, फोकस और मेमोरी खो रहे हैं। दिमाग को तेज करने वाली ये 10 चीज कई लोग जानते हैं, लेकिन कॉमन सेंस इज नॉट इक्वल टू कॉमन प्रैक्टिस, लोग जानते हुए भी नहीं करते। जिम क्विक कहते हैं, फर्स्ट यू क्रिएट हैबिट्स एंड देन योर हैबिट्स क्रिएट यू। पहले आप आदत बनाते हो, फिर आदत आपको बनाती है। जिम क्विक कहते हैं, मैं अपने पेशे में कई अति सफल लोगों से मिलता हूँ जो पहले से कई सारी सही चीजें कर रहे हैं, लेकिन जब वो ये 10 की 10 आदतें अपने जीवन में ले आते हैं तो उनका मेंटल लेवल, फोकस, अलर्टनेस तत्काल बदल जाता है। आप भी इन 10 आदतों को अभी के अभी जीवन में उतारो। सबसे पहली बात है, सेल्फ टॉक को साफ करो। इससे फर्क नहीं पड़ता आप कितने स्मार्ट हैं। जिम क्विक कहते हैं, मैंने कई लोगों को कहते सुना है कि मैं ज्यादा स्मार्ट नहीं हूँ, फोकस नहीं कर पाता, बार बार भूल जाता हूँ, मैथ्स कमजोर है। जिम क्विक कहते हैं, आप खुद से गलत बातें बार बार दोहरा रहे हो, इसलिए आपकी परेशानी खत्म नहीं होती। आपका दिमाग सुपर कंप्यूटर है, और जो बात आप बार बार दोहराते हो वो प्रोग्राम है। सुपर कंप्यूटर में खराबी नहीं है, प्रोग्राम में खराबी है। सवाल ये नहीं है कि आप कितने स्मार्ट हो, सवाल ये है कि क्या आप अभी उस रास्ते पर हो जिससे आप अपनी स्मार्टनेस और फोकस बढ़ा सको। जैसे हम खाने की शुद्धता का ध्यान रखते हैं, वैसे ही हमें सेल्फ टॉक का ध्यान रखना है। क्या ये हमें आगे बढ़ा रही है, क्या हमें लाचार महसूस करा के एक जगह रोके हुए हैं। जिम क्विक के जीवन में भी सबसे बड़ा बदलाव सेल्फ टॉक के बाद आया, जब उन्होंने खुद को लाचार, धीमा सोचना और महसूस करना छोड़ के एक उद्देश्य पकड़ लिया। मैं धीमा हूँ, समझ नहीं आता, भूल जाता हूँ कि जगह बार बार दोहराओ कि मैं हर दिन हर तरह से बेहतर और बेहतर होता जा रहा हूँ, और मन में महसूस करो कि मैं इतनी सारी चीजें कर रहा हूँ जिससे मेरा दिमाग बेहतर होता जा रहा है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन नहीं, लॉ ऑफ एक्शन है। दूसरी बात, दिमाग को जिंदा रखो, एंटरटेनमेंट की जगह लर्निंग। हम जीवन के आखिरी दिन तक दिमाग के नए सेल्स बनाना चाहते हैं, यानी न्यूरोजेनेसिस। जब हम नई चीजें सीखते हैं तब दिमाग में नए सेल बनते हैं और नए ब्रेन कनेक्शन भी होते हैं, यानी नया सीखते रहना इज इक्वल टू न्यूरोप्लास्टिसिटी प्लस न्यूरोजेनेसिस। इसलिए हमेशा कुछ ना कुछ सीखते रहो, नई भाषा, पब्लिक स्पीकिंग, मेडिटेशन, रनिंग, फास्ट रीडिंग, स्केचिंग और बहुत कुछ। हमारा दिमाग कंजम्पशन से नहीं, क्रिएशन से सीखता है, इसलिए हमेशा करके सीखो। जब आप कुछ गहराई से सीखोगे तो आपको पता चलेगा कि हर चीज में कितनी बारीकी होती है। जिम क्विक कहते हैं कि मैं पेशे से कई अति सफल लोगों से मिलता हूँ, वो बहुत स्मार्ट नहीं है, लेकिन इन लोगों का ईगो कम होता है। ये लोग हमेशा सीखने को, खुद को बेहतर करने को उत्सुक होते हैं। इससे न केवल दिमाग तेज रहता है बल्कि जीवन की क्वालिटी बेहतर होती है। जिम क्विक कहते हैं कि अगर आपको लगता है कि नॉलेज और स्मार्टनेस पावर है, तो लर्निंग आपकी सुपर पावर है। इस मूल मंत्र को अपना लो, नॉलेज इज पावर, लर्निंग इज सुपर पावर। तीसरी बात, स्ट्रेस रिलीज। हर दिन 10 मिनट खर्च करो और खुद को रिलैक्स करो।
जिम क्विक कहते हैं कि स्ट्रेस सबसे खतरनाक होता है क्योंकि ये दिखाई नहीं देता। जब तक हम लंबी छुट्टी पर नहीं जाते या गाइडेड मेडिटेशन के द्वारा हम खुद को एकदम रिलैक्स नहीं करते, तब तक हमें ये नहीं पता चलता कि हम कितने दिनों से शरीर और मन में स्ट्रेस लिए चल रहे हैं। जिम क्विक कहते हैं इसलिए हमें डेली मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और योगा करते रहना चाहिए। चौथी बात, फोन दूर रखकर सोइए, तकिए के नीचे बिल्कुल नहीं। जिम क्विक कहते हैं कि हमारा दिमाग इस तरह से इवॉल्व नहीं हुआ कि रात भर दिमाग के आसपास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड बनी रहे। आजकल बच्चे और एडल्ट भी तकिए के नीचे फोन रखकर सोते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें, इससे ब्रेन फॉग और मेमोरी पर असर पड़ता है। पांचवी बात, पॉजिटिव सोशल सर्कल। किसी स्पोर्ट्स या मूवी में जब कोई कैरेक्टर एक्साइटमेंट महसूस करता है तब हम भी वही एक्साइटमेंट महसूस करने लगते हैं, ऐसा मिरर न्यूरॉन्स के कारण होता है। जिम क्विक कहते हैं कि हमारे दिमाग में मिरर न्यूरॉन्स होते हैं, इसलिए जो सामने वाला महसूस करता है वो हम भी महसूस करते हैं। इसलिए आपके दिमाग के न्यूरल नेटवर्क जैसे ही आपके सोशल नेटवर्क भी मायने रखते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो लोग स्मोक करना शुरू करते हैं वो अपने न्यूरल नेटवर्क के कारण नहीं बल्कि अपने सोशल नेटवर्क यानी सोशल प्रेशर के कारण शुरू करते हैं। जब हम पॉजिटिव लोगों के साथ रहते हैं तो दिमाग अपने आप उनके टोन, बॉडी लैंग्वेज, बिहेवियर और मूड को कॉपी करता है, यानी इसका सीधा संबंध हमारी सेल्फ टॉक पर पड़ता है, यानी असर अंतर मन की गहराई तक पड़ता है। इसलिए हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ रहिए, इससे आपकी ब्रेन परफॉर्मेंस पर काफी असर पड़ता है। अगला पॉइंट, गुड फूड गुड ब्रेन। हम जो भी खाते हैं उसका असर दिमाग के न्यूरॉन्स यानी ग्रे मैटर की संख्या पर होता है। ग्रे मैटर कई न्यूरॉन्स का गुच्छा होता है जो दिमाग की सबसे ऊपरी परत बनाता है। जितना अच्छा ग्रे मैटर होगा उतनी आसानी से दिमाग नए कनेक्शन बनाएगा। दिमाग को स्वस्थ रखने के लिए हमें विटामिन, मिनरल, एंटीऑक्सीडेंट्स की जरूरत होती है, जो हमें बादाम, अखरोट, नारियल का तेल, हरे पत्तेदार सब्जियां, कद्दू के बीज, हल्दी, डार्क चॉकलेट से मिलते हैं। अगला पॉइंट है एक्सरसाइज हर दिन। हमारा दिमाग शरीर को कंट्रोल करने के लिए इवॉल्व हुआ, यानी हमारे शरीर का हर मूवमेंट से दिमाग का गहरा ताल्लुक है। जब हमारा शरीर मूव करता है तो हमारा दिमाग ग्रूव करता है, यानी दिमाग को अच्छा लगता है। कम से कम हर दिन 20 मिनट एक्सरसाइज, इससे हृदय मजबूत होता है, दिमाग को तेज खून पहुंचता है। रिसर्च बताती है कि हर दिन एक्सरसाइज करने से दिमाग की अलर्टनेस, मेमोरी और IQ पर गहरा प्रभाव पड़ता है। अगला पॉइंट है क्लीन और फ्रेश एनवायरनमेंट। कमरे में पौधे लगाओ। हमारे कमरे में जितने फर्नीचर्स हैं, बेड, सोफा, टेबल और पेंट, ये सब हवा में पॉल्यूटेंट्स और धूल के छोटे छोटे कण पैदा करते हैं। कमरे में लगे पौधे इन्हें फिल्टर करते हैं और ऑक्सीजन बढ़ाते हैं। अपने घर में और अपने स्टडी रूम में मनी प्लांट, एलोवेरा और स्नेक प्लांट जैसे पौधे रखने चाहिए। 10x10 फुट के कमरे में कम से कम 2 पौधे होने चाहिए। जितने ज्यादा पौधे आपके आसपास होंगे आपको उतना अच्छा लगेगा, ऑक्सीजन मिलेगी तो थकान भी कम महसूस होगी, आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। अगला पॉइंट है हर दिन गहरी नींद। हर दिन कंसिस्टेंटली एक समय पर सोइए, एक समय पर उठिए और अपने हिसाब से समय देखिए, 6 से 9 घंटे के बीच जो आपको सूट करता हो। अगला पॉइंट है डेफिशिएंसी टेस्ट। कई बार सब कुछ करते हुए भी हमेशा थकान बनी रहती है, तो इसके लिए न्यूट्रिएंट प्रोफाइल टेस्ट कराइए, जिससे आपको पता चलेगा कि आपके शरीर में किन किन विटामिन्स की कमी हो रही है। आजकल हम भारतीयों में सबसे ज्यादा कमी विटामिन डी, B12, आयरन, ओमेगा-3 फैटी एसिड्स और मैग्नीशियम की पाई जाती है, जिस कारण थकान और ब्रेन फॉग जैसी परेशानियां होती हैं। ये 10 की 10 चीजें आपके दिमाग को तेज और अलर्ट बनाती हैं, जिससे आप स्मार्ट और होशियार महसूस करते हो। आप अपने हर दिन का पूरा फायदा उठाते हो और आपको लगता है कि आप सच में बेहतरीन जीवन जी रहे हो। आपको बहुत संतुष्टि होती है और आपके जीवन में बड़ा परिवर्तन आता है। दोस्तों, मुझे कमेंट्स में बताइए आप दिमाग को तेज करने वाली कौन सी 3 आदतें अपने जीवन में उतारने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो 17x4 सेकंड टेक्निक पर वीडियो जरूर देखिए, आपको दिमाग प्रोग्राम करने में आसानी होगी। और याद रखिए, आपके समय से कोई वीडियो, कोई ऐप, कोई न्यूज़ कीमती नहीं है। मैं काम के किस्से लाता रहूँगा। हिम्मत, हरकत, होशियारी, हम जीतेंगे।